बैक टू द चैनल और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग हैं हाजीपुर स्टेशन पर, आमिर भाई भी साथ में है। दरअसल कुछ काम था इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और अंडा खाने का प्लान हो गया। अभी अंडा हम लोग खा रहे हैं। अभी देखते हैं हाजीपुर स्टेशन कैसा है, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और इंस्टाग्राम पे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठंडा में अंडा बहुत फ़ायदा करता है ना भैया। भैया ने कैमरा पकड़ा था इसके लिए इनको बहुत बहुत थैंक्स। हाजीपुर में रहते हैं आप? हाँ भैया। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है किस चीज़? ग्रेजुएशन। क्या बात है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, बढ़िया है। हाजीपुर कुछ बदला है कि नहीं पहले से? कुछ नहीं बदला है। ये हाजीपुर स्टेशन है, आप देख सकते हैं हम लोग यहीं पे खड़े हैं और हाजीपुर से काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं हमारी, क्योंकि कई बार हाजीपुर आते थे। और ये जो चाय की दुकान यहाँ पर पीछे देख रहे हैं आप, ये भी बहुत पुरानी और बहुत ही ज़्यादा चाय पीने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ जो SBI का ATM है ना, ये नया नया खुला है अभी। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो अंडा खाना था वो खा लिया है। और ये जो फेमस चाय वाली शॉप है ना यहाँ पर हाजीपुर, हाजीपुर जंक्शन पे आप जैसे ही आएंगे तो फेमस चाय की शॉप यहाँ पर मिलेगी आपको। भैया दो चाय दे दीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको पानी भी मिलता है साथ में। अगर चाय आपको कुल्हड़ में मिले तो उसका जो पीने का मजा होता है ना कुछ और ही होता है। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ देखने को ये मिली है कि यहाँ पर एक वाटर वेंडिंग मशीन है जो पॉइंट ऑपरेटेड है। अगर आपको पानी लेना है इसमें पॉइंट डाल के आप पानी ले सकते हैं। यहाँ पे लो हाइजीन सारा खाना मिल जाता है, हाइजीन थोड़ा सा कम होता है लेकिन यहाँ पर मिल सब कुछ ज़्यादा है। ओके, हाजीपुर स्टेशन के अंदर चल रहे हैं और ये वाला जो मेन गेट है इसको आप पहचानती होंगे। और आज हाजीपुर में फॉग बहुत है, उतना ज़्यादा भी नहीं कह सकता लेकिन ठीक ठाक है। सामने हाजीपुर जंक्शन लिखा हुआ भी है लाल रंग का, काफ़ी दूर है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमने सोचा था कि हाजीपुर स्टेशन पर लाइटिंग वाइटिंग हुई है लेकिन लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं लग रही है हमें। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, हमने सोचा था कि बहुत दिन बाद आए हैं तो बदलाव ज़्यादा हुआ होगा लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे चची हैं। चची स्टेशन बन रहा है क्या? बन नहीं रहा है, लाइट उट जो लगा हुआ था। चलिए ठीक है, अभी अंदर चलेंगे स्टेशन पे तो देखेंगे प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा सा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टेशन कैसा है। थोड़ा देखिए आप, यहाँ पे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिनोवेशन हो रहा है लेकिन पूरी तरह से अभी रिनोवेट नहीं हो पाया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और थोड़ी बहुत लाइटिंग और ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन लाइटिंग उतनी ज़्यादा है नहीं। अभी प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है। तो अभी हम लोग हाजीपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रहे हैं। इधर इंक्वायरी काउंटर है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। बहुत कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ पहले जैसा ही है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है इसलिए पैसेंजर्स कम है लेकिन वेट करने वालों की तादाद उतनी ही ज़्यादा है। स्टेशन परिसर को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जस्ट बगल में जो एंट्री गेट है उसके वेटिंग हॉल है यहाँ पर। और ये सभी स्टेशनों पे तकरीबन इसी तरह के पेंटिंग्स लगाई गई है, बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। और अंदर में थोड़ा सा रिनोवेशन का काम जो है ना अभी और शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत कुछ है जो कि देखने लायक है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं और हाजीपुर स्टेशन भी अब वाईफाई हो चुका है। यहाँ पे राउटर आप देख सकते हैं, तो बहुत कुछ बदला है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो सके मोबाइल चार्ज करने में। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वेटिंग रूम है जो कि AC वेटिंग रूम है। कोई भी दिक्कत हो तो 182 पर कॉल करिए, हेल्पलाइन नंबर है। और
रात के 8:05 हो रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 भी है। चार्जिंग पॉइंट होने से एक चीज़ है कि जैसे कि अभी आप घर पर जाते हैं किसी के तो नाश्ता पूछो, उससे अच्छा अगर पूछ दे कि मोबाइल चार्ज है कि नहीं तो ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि स्मार्टफोन का ज़माना आ गया है। ऐसा ही है ना, अगर कोई नाश्ता देने से अच्छा ये बोल दे मोबाइल चार्ज है कि नहीं तो वो ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अभी आप लोगों को कैसा महसूस होता है जब इस तरह का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है? अच्छा लगता है। आप लोग कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर वेट कर रहे हैं ट्रेन का? कौन सी? तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, खास करके उस दौर में जब स्मार्टफोन का ज़माना है, सभी लोग लगे हुए हैं लगा करके चार्जर। यही है हाजीपुर का स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर भी वाटर वेंडिंग मशीनें लगी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा और हाजीपुर स्टेशन को चेंज होने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जाते हैं थोड़ा सा और चेंजेस तो चाहिए। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।